हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हम मार्केट से ला सकते हैं, पर इसे हम घर पे भी बड़ी आसानी से बहुत कम चीजों से बना सकते हैं। कंडेंस मिल्क का यूज आइसक्रीम्स, मिठाई और बहुत सारी चीजों में किया जाता है। तो चलिए हम बनाते हैं कंडेंस मिल्क। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट रेसिपी होगी वो होगी मैंगो आइसक्रीम, जो मैं अपने होममेड कंडेंस मिल्क से बनाऊंगी। चलिए देखते हैं। पर इससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमें यहाँ पे शुगर चाहिए, मिल्क पाउडर चाहिए, और यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क ले लिया था। उसे मैंने थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है 10-15 मिनट धीमी आँच पे रख के लगातार चलाते हुए। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आँच हमने स्लो कर दी है। शुगर डालने के बाद जो मिल्क है वो थोड़ा फिर से थिन हो जाएगा, इसलिए हम इसे 10-15 मिनट फिर से थोड़ा और पका लेंगे और थोड़ा अच्छा गाढ़ा कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा मिल्क थिक हो चुका है। तो अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है मिल्क पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और फिर चलाएंगे ताकि मिल्क पाउडर से इसमें गुठलियाँ ना बने। देखिए हम इसे लगातार चलाते जाएंगे जैसे ही हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इस बात का हम बराबर से ध्यान देंगे। फिर थोड़ा मिल्क पाउडर डालकर फिर इसे मिलाएंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम स्लो ही रखेंगे जब तक हम अपना पूरा मिल्क पाउडर डालकर इसमें अच्छी तरह से मिला न लें। आप देखिए हम इसे लगातार चलाते जाएंगे, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हमने सारा मिल्क पाउडर डाल दिया और अब जो हमारा मिल्क है कंडेंस मिल्क में कन्वर्ट हो चुका है, काफी अच्छा थिक हो चुका है। हम इसे फिर भी 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे, लगातार चलाते रहेंगे। अब फ्रेंड्स फाइनली हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी कंडेंस मिल्क की वो हमें मिल चुकी है। आप देखिए लम्स बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी अच्छा मिल्क तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे, अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे किसी में भी यूज़ कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा।